नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बहुत बार आपने पूछा है कि कल को अगर मौका मिले तो मैं किस रेल फैन यूट्यूबर के साथ जर्नी करना पसंद करूंगा। दोस्तों, रेल फैन यूट्यूबर जो रेल जर्नी की वास्तविकता और खूबसूरती दिखाते हैं, मुझे वो हर रेल यूट्यूबर पसंद है। चाहे वो 200 जर्नीज के डोलेस भाई हों या फिर रेल ज्ञान कोर्स के संदीप भाई, इंडियन रेल फैन क्लब भाई सत्या, नटराजन NCS या फिर नॉलेज नोर से अमित भाई हों, कितने बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं ये। इन सभी के वीडियोस को शुरू से अंत तक देखने का मन करता है। इन सभी की रेल जर्नीज को और रेल फैनिंग को सभी सराहते हैं और खुद रेलवेज भी इनके स्वागत दिल खोल कर करती है। यहाँ तक कि कई रेल फंक्शंस में भी आप इन लोगों को देख सकते हैं। पर दोस्तों, आजकल रेल ब्लॉगिंग के नाम पर तमाशा दिखाने की नई प्रथा चल पड़ी है। कई रेल ब्लॉगर सब रेल जर्नी के दौरान शराब पिए हुए व्यक्ति, ट्रांसजेंडर्स के साथ तमाशा, किसी कपल के प्राइवेट मोमेंट्स, गरीबों को खाने की कोई वस्तु देकर उनका वीडियो बना लेना या फिर पेंट्री स्टाफ से अननेसेसरी आर्गुमेंट, ये सारी चीजें करके उसका थंबनेल डालकर एक गलत मैसेज कन्वे करते हैं और क्लिक बेट के द्वारा व्यूज बटोरने का काम कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति अगर ट्रेवल करता है तो उसका वीडियो बनाना कहां तक सही है, या फिर किसी फौजी का वीडियो डालना कितना जायज है। मैं अक्सर रेल ब्लॉगर्स के साथ जर्नी करता हूं और देखता हूं कि वो मदद तो सबकी करते हैं पर उसको अपना क्लिक बेट बनाकर व्यूज बटोरने का काम नहीं करते। मैं किसी पर्टिकुलर रेल ब्लॉगर के बारे में बात तो नहीं करना चाहता, पर इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट्स के तिरस्कार की जरूरत है। आप में से कई लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, पर मैं काफी समय से इस तरह के कंटेंट्स को इग्नोर कर रहा था, पर अब इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या बढ़ने लगी है। कई अच्छे रेल ब्लॉगर्स भी इस तरह के कंटेंट्स बनाने लगे हैं। शायद इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। किसी क्रिंज कंटेंट क्रिएटर को अपने स्टेट का या अपने जिले का मानते हुए अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपका निजी मुद्दा जरूर हो सकता है, पर रेल फैनिंग तो बिल्कुल नहीं। अगर आज भी इसे रोका नहीं गया तो कल को रेलवेज और रेल फैंस के बीच में एक दरार उत्पन्न हो जाएगी, जिसके बाद रेलवेज रेल फैंस को अपने प्रोग्राम्स में इन्वाइट करना बंद कर देगी। पर अब हम रेल फैंस को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और इस तरह के कंटेंट्स का तिरस्कार करना ही पड़ेगा। हाल ही में इंडियन रेल फैन क्लब भाई सत्या ने ऐसी चीजों पर अपना दुख जाहिर किया। वहीं केदारनाथ यात्रा के दौरान मिले संदीप भाई का भी कुछ यही विचार था। मैं आप लोगों से ये बात जानना चाहूंगा कि अगर आप लोग भारतीय रेलवे का भला चाहते हैं तो क्या इस तरह के कंटेंट्स को बढ़ावा देना सही है? भारतीय रेलवे का इतिहास इतना सुनहरा है कि बस इसको जानने की जितनी कवायद की जाए कम है, और हमारी ये प्रतिबद्धता है कि इंडियन रेलवे के सारे पहलू, सारी पुरानी बातें आप तक समय समय पर हम लाते रहेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि क्लिक बेट से बचिए और खराब कंटेंट जो रेल जर्नीस के दौरान दिखाए जा रहे हैं का तिरस्कार जरूर करिए। हम अपनी भारतीय रेलवे को कैसे और खूबसूरत बना सकते हैं, इस पे आप अपने सुझाव भेजते रहिए, जिसको हम रेलवे तक पहुंचाने का जरूर काम करेंगे। आपका फेवरेट रेल फैन यूट्यूबर कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है हम तक जरूर शेयर करिए। इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स अगर आगे भी इस तरह का कंटेंट बनाते रहेंगे तो एक दिन इनको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। जरूरी है रेल जर्नीज की खूबसूरती बरकरार रखी जाए और क्लिक बेट को इग्नोर किया जाए। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं लेता हूं इजाजत, जल्द ही मिलता हूं अपने किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।